और दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों दुनिया भर में जहां सभी देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइल की कमी नहीं है, तो अब ऐसे में इनसे निपटने के लिए भी तैयारी होनी चाहिए और इसी के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ी भारत को। और इसी के लिए भारत ने डिफेंस को और मजबूत किया जा सके उसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइल के दूसरे चरण का पहला सफल परीक्षण किया इसी साल। को बता दें इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को 2-टियर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड भी कहा गया है। आइए आपको बताएं कि बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और ये 2-टियर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है। स्वदेशी उन्नत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम यानी कि खुद का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाले देशों में अब भारत का नाम भी शामिल है, जिसके पास अपना खुद का ABM यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इस प्रकार भारत अमेरिका, रूस और इजराइल के बाद चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास अपना खुद का ABM सिस्टम मौजूद है। भारत का ये ABM सिस्टम 2-टियर में डिजाइन किया गया है, जो इसकी सुरक्षा मजबूती को और भी बढ़ा देगा। ऐसे देश जो भारत पर आए दिन चढ़ते हैं और ताव बघारते नजर आते हैं, जैसे कि चीन और पाकिस्तान, ऐसे में ये एक बड़ी सफलता है भारत के लिए, जो दुश्मन देश से छोड़ी गई आने वाली मिसाइलों से रक्षा कवच देने का काम करेगा। आपको बता दें बैलिस्टिक डिफेंस शील्ड सिस्टम की गति काफी तेज है, लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों सीधे तौर पर बताएं तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD ऐसा सिस्टम है जो सभी प्रकार के दुश्मन देशों से आने वाली मिसाइलों, इसके अलावा परमाणु मिसाइलों से भी देश को बचाने का काम करेगा, यानी एक शील्ड बना देगा। एक बैलिस्टिक मिसाइल आमतौर पर लंबी दूरी की मिसाइल होती है। ये इतनी पावरफुल होती है कि सीधे तौर पर न्यूक्लियर वॉरहेड को भी हिट कर सकती है। इसकी मदद से दुश्मन अपने देश से आसानी से इस हाइपरसोनिक स्पीड वाली बैलिस्टिक मिसाइल से किसी भी देश पर सीधा हमला कर सकता है। तब ऐसी सिचुएशन ही ना बन सके उसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही वो सुरक्षा कवच होगा जो इन मिसाइलों से रक्षा करेगा। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड का 2-टियर डिफेंस शील्ड एक एडवांस वर्जन है, इसलिए इसे कहा गया है और मजबूती देगा सुरक्षा को। कहते हैं कि इसका काम इतना तेजी से होगा कि ध्वनि की गति से भी ये तेज हमला करेगा आने वाली दूसरी मिसाइल पर, जिससे कि उसका नामो निशान यानी कि मिसाइल भी गिरने का कोई चांस नहीं होगा। भारत का स्वदेशी BMD कार्यक्रम 2-टियर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड सिस्टम से पूरी तरह से लैस है, जो देश को 6000 किलोमीटर से आ रही मिसाइल को डिटेक्ट करने के साथ हवा में ही उसे मार देगा और इस तरह देश को सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके दो चरण हैं, एक तो पृथ्वी एयर डिफेंस जिसे शॉर्ट फॉर्म में PAD कहते हैं, दूसरा एडवांस एयर डिफेंस जिसे शॉर्ट फॉर्म में AAD सिस्टम कहते हैं। कैसा भी वार कहीं से हो, मुंह तोड़ जवाब दे सके उसके लिए ये दोनों चरण बनाए गए हैं। पृथ्वी एयर डिफेंस 50 से 180 किलोमीटर की बाहरी वायुमंडलीय ऊंचाई पर मिसाइलों को रोकेगा और वहीं पर उन्हें ध्वस्त भी करेगा। ये एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल होगा जिसे वायुमंडल यानी एक्सो एटमॉस्फेयर के बाहर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए ही बनाया गया है। इसकी क्षमता की बात करें तो 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3000 किलोमीटर दूर की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता रखती है ये मिसाइल। वहीं एडवांस एयर डिफेंस यानी कि AAD डिफेंस सिस्टम कम ऊंचाई वाली मिसाइलों को रोकने वाला एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल है। ये भी एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ही है जिसे 40 किलोमीटर यानी कि 25 मील की ऊंचाई पर एंडो एटमॉस्फेयर में आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए ही बनाया गया है। इसकी लंबाई 7.5 मीटर की और वजन 1.2 टन का होगा। ये सिलिकॉन युक्त कार्बन जेट वैन के साथ एक एकल चरण वाली मिसाइल होगी, पूरी तरह से ठोस ईंधन वाली मिसाइल होगी। साथ ही इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी INS होगा, ग्राउंड आधारित रडार और टर्मिनल में रडार होमिंग के चलते अचूक निशाने में माहिर होगी ये मिसाइल।
दोस्तों आपको बता दें कि एडवांस एयर डिफेंस का वर्ष 2018 में अब्दुल कलाम सेंटर से एक परीक्षण किया गया था जो पूरी तरह से सफल रहा, जिसमें इस मिसाइल ने शानदार प्रदर्शन किया। 1500 किलोमीटर वर्ग की बैलिस्टिक मिसाइल को पल भर में ही इसने चकना चूर कर दिया था। तो दोस्तों ये था बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD सिस्टम से जुड़ी कुछ खास बातें। इस BMD सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइल के दूसरे चरण का सफल परीक्षण इसी साल किया गया है। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नई खबरों और नए शोध के साथ। बने रहिए हमारे चैनल एन वर्ल्ड, हमारे ही चैनल शोध पर। नमस्कार।